यार सिब्बू, तू ना मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा मेरी बेस्ट ही रहेगी। तेरी मेरी दोस्त के बीच ना कभी कोई नहीं आ सकता, क्योंकि ना तो तेरा बॉयफ्रेंड है ना ही मेरा। और इन फ्यूचर हम दोनों में से किसी का बॉयफ्रेंड होता भी है तो वो हमारी दोस्ती के बीच में नहीं आएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। यार सिब्बू, मैं सोच रही थी कि यार इस रूम में हम दोनों ही रहते हैं, क्यों ना हम बाहर बोर्ड लगा दे। कि यार अगर हम बाहर बोर्ड लगा देंगे तो कोई नया आ जाएगा तो और उससे हमारा रेंट भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। यार बात तो तू सही कह रही है ना, तो मैं अभी ऑनलाइन ऐड डालती हूँ। बट यार मेरे को हिंदी में तो आता है बट मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, क्या करूँ। अरे यार पहले मुझे भी नहीं आती थी पर अब मैं सीख रही हूँ यू डिक्शनरी के मैजिक फीचर से। मैजिक फीचर ये क्या है? तो ये देख, यू डिक्शनरी ऐप खोलो, उसकी सेटिंग में जाके इसके मैजिक फीचर को इनेबल कर लो। और तुझे पता है तू ना ऐप को लॉक भी कर सकती है, इससे तू नोटिफिकेशन से तंग भी नहीं होगी। उसके बाद इसमें जो भी इंग्लिश में लिखा है वो तुझे समझना है, उसको सर्च करके मैजिक ट्रांसलेटर पर ट्रैक कर लो, हो गया ट्रांसलेट। अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया। और तो और तू यहाँ पे हिंदी में भी टाइप कर सकती है, जैसे तूने यहाँ पे हिंदी में टाइप किया ये अपने आप इंग्लिश में हो जाएगा। इस तरह हम अपनी एड इंग्लिश में इजली डाल सकते हैं। बढ़िया है भाई यू डिक्शनरी ऐप, तो इसे अभी के अभी डाउनलोड करती हूँ और एड भी डाल दियो। ठीक है। हाँ जी कौन? जी वो आपने कल एड डाला था ना। एड? कौन सी एड? जी ब्रांड के लिए। सॉरी बट वो एड तो मैंने लड़कियों के लिए डाला था। हाँ हाँ भगाओ उसे यहाँ से, लड़कियों के पीजी के बारे में सुना नहीं, एड देखी नहीं, आ जाते भागे भागे। सॉरी लेकिन बॉयज तो अलाउ नहीं है। ओके थैंक यू। अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो ये कह रही थी बॉयज भी अलाउ है। अरे पर तू तो चल तू चुप रह, तुझे नहीं पता। आइए आइए अभी। तूने क्या बोला इसको कि लड़के भी अलाउड हैं? यार तूने देखा नहीं कितना हॉट, कितना सेक्सी, कितना हैंडसम लड़का है। अच्छा पर तूने तो कहा था कि हम दोनों की दोस्ती के बीच में कभी कोई आएगा ही नहीं। हाँ यार तो मैं कौन उसके पास जा रही हूँ, वो तो खुद सामने से चल कर आया है और हमारे साथ रहने ही तो आया है। मैं कौन से प्यार करती हूँ यार, तेरा उसके साथ चक्कर चल रहा है। देखा मैं रेंट से मतलब है, वो लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है, तो छोड़ चल। रूम तो अच्छा है बट इसका रेंट कितना होगा? सिर्फ 5,000। नहीं 10,000। 10,000? ओके। यार देख ये 10,000 दे रहे इस रूम का, कौन देता 10,000 इस रूम के? ये अपने साथ साथ हमारा भी रेंट दे रहा है। तेज भूख लगी है, कुछ खा के आता हूँ बाहर से। अरे आपको भूख लगी है, मैं लेकर आती हूँ ना, आप हमारे मेहमान हो, हमारे गेस्ट हो, हमारे रूममेट हो, मैं लाती हूँ ना, और ऊपर से स्मार्ट और डैशिंग व्यू, मैं लेकर आती हूँ, अब रुक रुको मैं लाई। ये लो मैंने आपके लिए बनाया अपने हाथों से, खाके बताइए कैसा बना है। यार मुझे भी खिला दे थोड़ा सा, कब से खाए जा रही है अकेले। चल हट मैं किदू अपना जाके खुद लेकर आ, मैंने दे रही दे देना। यार तू मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं है क्या? बेस्ट फ्रेंड हूँ
पर मैं अपना खाना किसी के साथ शेयर नहीं करती। दोस्ती पक्की पर खर्चा अपना अपना। हेलो, अबे साले कहाँ रह गया तू? तेरा जॉब का इंटरव्यू था ना, लेट हो रहा है तू। ओ शिट 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 यार, मैं लेट हो गया यार। तूने मुझे रात भी फोन किया था कि आज मेरा सुबह इंटरव्यू है यार, कैसे मेरे माइंड से निकल सकता है यार। शिट, अब मैं क्या करूं? मैंने तो अभी तक कपड़े भी प्रेस नहीं किए और अब प्रेस करूंगा तो और भी लेट हो जाऊंगा यार। शिट, क्या ये, क्या ये तुमने कब किया? वो ना, कल मैंने आपको फोन पे बात करते सुन लिया कि आपका जॉब का इंटरव्यू है, तो मैंने इसको आज प्रेस कर दिया था मॉर्निंग में। यार तो अपने कपड़ों में तह लगा रही है, मेरे में भी लगा दे, ऐसे ही फैले हुए हैं। अच्छा, मैं तेरी ना करूं, तेरे कपड़े मैं तह लगा दूं? पागल वागल है क्या? और इस घर में हम दोनों रहते हैं, तू अपना काम करेगी मैं अपना। आई बड़ी तह लगा दे, नौकर समझ रखा है क्या तूने मुझे? दुश्मन न करे। पानी तो गिरे, मैं साफ कर देती हूँ। ये लो, हो गया साफ। पंखा चला देती हूँ, सूख जाएगा। और वैसे भी मुझे सफाई करना बहुत अच्छा लगता है। अरे क्या हो गया, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? थोड़ा सा पानी तो गिरा है बस। पानी तो गिरा है? अभी अभी पोछा मारा था मैंने, तुझे पता नहीं था तुझे छींक आने वाली है, तो साइड में रखे छींक नहीं करती थी। मैंने जस्ट अभी अभी पोछा मारता, साफ कर दे। ये ले अब पोछा मार। दुश्मन न करे। एक्सक्यूज मी, ओ मुझे थोड़ा सा पेस्ट मिल सकता है क्या? एक्चुअली वो मैंने जस्ट अभी चेक किया तो मेरा पेस्ट खत्म हो गया। आपका टूथपेस्ट खत्म हो गया? ये लो, आप मेरा यूज कर लो। ये ना दांतों के लिए सेंसिटिव है और मसूड़ों को मजबूत भी करता है। और तो मेरे टूथपेस्ट में नमक भी है, और अब चाहो तो मेरा टूथब्रश भी यूज कर सकते हो। नहीं नहीं, मेरा ब्रश मेरे पास है, आप टूथपेस्ट दे दीजिए बस। ठीक है। यार थोड़ा सा पेस्ट दे दे, मेरा पेस्ट खत्म हो गया है। पेस्ट? मैं नहीं दे रही कोई पेस्ट वेस्ट। और मेरे घर वाले मेरे लिए पैसे देते हैं, तेरे लिए नहीं। और वैसे भी तू पेस्ट करे ना करे, तेन में तो स्मेल आनी ही है। दुश्मन न करे। ये आपके कपड़े। ये मेरी छत से कपड़े क्यों उतार के लाया? छोड़ो मुझे क्या। वैसे ये मुझे बिना मांगे पानी लाकर क्यों दे रहा है? छोड़ो मुझे क्या।
बिना मांगे पानी दिया, फिर उसके बाद ये छत से मेरे कपड़े भी उतार के लाया, और फिर इसने मुझे एप्पल काट के दिया, और फिर मुझे यहाँ छुआ इसने। कहीं ये मुझसे प्यार तो नहीं करता? ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही है क्या मतलब? कुछ भी तो नहीं। तू उसके कपड़े क्यों तह लगा रही है? तू उसके इतना पीछे क्यों पड़ी हुई है? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। अच्छा, वो तेरे से प्यार करता है? शक्ल देखी अपनी बंदरिया जैसी? वो मुझसे प्यार करता है, और उसने मेरे साथ अपना टूथपेस्ट भी शेयर करा है। अबे टूथपेस्ट शेयर किया तो क्या हो गया, उससे क्या होता है? मैंने उससे बात करके उसके दिल की बात जान ली है, वो मुझसे प्यार करता है। अबे रेडली सी, वो मुझसे प्यार करता है, मैं उसके लिए सब कुछ करती हूँ। अच्छा, वो तुझसे प्यार करता है? ठीक है, आज से घर आने दे, जब वो जॉब से घर आएगा ना, तब उससे डायरेक्टली पूछ लेंगे कि वो हम दोनों में से किससे प्यार करता है। ठीक है, and I'm 100% sure, वो मुझसे प्यार करता है। अच्छा, अगर वो मुझसे प्यार करता हुआ ना, तो इस घर से तू निकलेगी और सिर्फ हम दोनों इस घर में रहेंगे। हाँ ठीक है, और अगर वो मुझसे प्यार करता होगा ना, तो तू यहाँ से निकलेगी अपने बोरिया बिस्तर बांध के। हाँ हाँ ठीक है, डील डन। हाँ डन। क्या हुआ गाइस? तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो और ऐसे क्यों घूर रहे हो मुझे? कुछ हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं कुछ नहीं हुआ है। आओ अंदर आओ, हमें ना तुमसे कुछ बात करनी है। आओ बताओ, क्या क्या बात करनी है? ये बताएगी? बोलो, बोल क्या बात हो गई, बोल। तू बोल लो, बोल तू भी बोल। अरे शर्त तो तूने लगाई थी पहले, तू बोल ना। ये शर्त तूने लगाई थी, ये बकवास पहले तूने स्टार्ट करी थी, तू बोल ना। अच्छा ठीक है, मैं ही बोलती हूँ। करण, मुझे ना तुमसे एक बात पूछनी है, बताओगे? हाँ पूछो। नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं पूछूंगी। बक बक बोल। क्या बात है बोलो। वो ना मुझे तुमसे पूछना था कि तुम हम दोनों में से किसको प्यार करते हो। आई मीन कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसका मुझे पता नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम इसकी मत सुनो। तुम अपना फाइनल डिसीजन दो, तुम मुझसे प्यार करते हो या इससे। बट तुम लोगों को ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ? अच्छा, तुमने वो टूथपेस्ट मेरे साथ शेयर करी थी, और मैंने तुम्हारे लिए खाना भी बनाया था, और मैंने वो प्रेस भी करे थे कपड़े तुम्हारे लिए, और वो जो ग्लास गिर गया था पानी का, उस पे पोछा भी तो मारा था, और ये सब तो तुम खुद मेरे लिए करते थे। तुमने मेरे छत से कपड़े उतार के लाए थे, और तुमने मुझे एक ग्लास पानी भी दिया था, और तुमने उस दिन मुझे टच भी किया था, यहाँ टच किया था, यहाँ, याद है ना? तुम लोगों ने मेरे लिए इतना किया? बट आई डोंट लव यू। क्यों? तुम क्यों मेरे से प्यार नहीं करते? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। नहीं नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करता। क्या? पर क्यों? लेकिन तुम ये सब तो खुद मेरे लिए करते थे, जो ये तुम्हारे लिए करती थी। हाँ हाँ, रीजन दो, तुम क्यों नहीं प्यार करते? क्या तुम किसी और से प्यार करते हो? हाँ, कोई और लड़की का चक्कर है क्या? कोई और लड़की हो तो जान से मार दो उसको। यार मुझसे भी अच्छी लड़की है क्या कोई? यार मेरे में क्या कमी है? नहीं, मेरे से अच्छी तो कोई नहीं हो सकती। हाँ तुम रीजन दो। वो एक्चुअली बेबी। हेलो। हाँ बेबी, तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। हाँ हाँ ओके बाय, लव यू।
गर्लफ्रेंड है? हाँ, वो एक्चुअली मैं पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में हूँ। क्या? धोखेबाज, फरेबी, बदतमीज! हमने तुझसे इतनी शिद्दत से प्यार किया और तूने हमारे प्यार का ये सिला दिया? तेरी गर्लफ्रेंड है? मकार कहीं के। तू ना, तुझे पता है तेरे जैसे लड़के ना हमारे कितने आगे पीछे लगे रहते हैं और हम दोनों किसी को भाव नहीं देते। और तुझे हमने भाव दिया, तेरे पीछे हमने लड़ाई की और तूने हमारे प्यार का ये सिला दिया। तू ना हमारे घर में रहने के लायक नहीं है। तू निकल यहाँ से, निकल, निकल यहाँ से। मेरी बात, हमारे घर में रहने के लायक ही नहीं है, धोखेबाज, निकल यहाँ से। सुन, आज के बाद ना यहाँ कहीं दिख मत जाइयो और इस घर में तो छोड़, यहाँ कहीं तू आसपास भी दिखा ना, तेरी बैंड बजा देंगे। निकल जा यहाँ से, आया बड़ा हमारी दोस्ती तोड़वाने। चल, दफा हो यहाँ से। मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या किया? यार सिब्बू, कैसा था ना ये लड़का? हमारी दोस्ती में आग लगा रहा था यार, और मैं उसके लिए तेरे से लड़ी। तू मेरी कितनी अच्छी फ्रेंड है। खामों का लोग बोलते हैं कि लड़कियां दोस्ती अच्छी नहीं करती, बल्कि हमारी तो मिसालें देनी चाहिए। तू मेरी कितनी अच्छी दोस्त है। आई लव यू सिब्बू, यू आर माय बेस्टी। गौर कलयुग, कुछ कहा? अरे नहीं नहीं, लव यू टू। हे गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक करना, कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताना, और गाइस यू डिक्शनरी ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप इसके मैजिक फीचर का फायदा बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। और इस लिंक को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और गाइस, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना, और जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय।